आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधुन करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। ये आज जो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में हिंदुओं को गाली दी है वो अपने चुनाव क्षेत्र वायनाड के मुस्लिम वोटरों की तुष्टीकरण का नया संस्करण है ये। वो हम जानते हैं एक विदेशी ईसाई महिला का बेटा कभी भी हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकता, जिसका दादा फिरोज खान हो उसका पोता कभी भी हिंदुओं का सम्मान नहीं करता। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो केवल मुस्लिम के लिए ही सोचता और बोलता है, ये गलत है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। श्री राहुल गांधी जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर फॉर द अपॉर्चुनिटी। जय संविधान। कॉपी है उसकी। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। ओके सर, शिवजी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माने सदस्य। सर, शिवजी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूँ। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज। नो, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से। ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए, माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं कोई भी चित्र को दिखाने के? तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना मना है?
यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था आपसे ये अपेक्षा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी, गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखू सर, तरीका ठीक सर, कहाँ रखू, यहाँ रख दू सर, आप यहाँ मत, यहाँ रख देता हूँ सर। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोनाफाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है, सदस्यों पे तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं
क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का। कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्यगण, आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले, नो सब चले। आपने बताया था नियम, नो माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ हो, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए, आसन पर सभी दल के, प्लीज आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े हैं,
आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। नमस्कार, आज 18वीं लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर धन्यवाद ज्ञापन देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने जो हिंदुओं को हिंसक और नफरती भाषा बोलने वाला बताया है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हिंदू समाज अभी हम पिछले 75 वर्षों का ही इतिहास देखें तो हर दंगे में और हर विभाजन की विभीषिका भी झेला और अपने मूल स्थान से मार पीट कर भगाया भी गया। 1991 की घटना में जम्मू कश्मीर की घाटी से हम लोग भगाए गए। 5 लाख हिंदुओं को रातों रात घाटी छोड़कर भागना पड़ा। अगर हिंदू हिंसक होते तो इन सब घटनाओं का जवाब देते और आज जिस दुर्दशा में वो टेंटों में और शरणार्थी शिविरों में जीने को विवश है वो उनको नहीं रहना पड़ता। आज हिंदू समाज अपने दयनीय स्थिति को जो झेल रहा है केरल और बंगाल में और कश्मीर में उससे वो कब का निजात पा चुका होता। ये आज जो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में हिंदुओं को गाली दी है वो अपने चुनाव क्षेत्र वायनाड के मुस्लिम वोटरों की तुष्टीकरण का नया संस्करण है ये। जय श्री राम। आज लोकसभा सदन में प्रमुख विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुओं को हिंसक बोलने का जो काम किया है वो हम जानते हैं। एक विदेशी ईसाई महिला का बेटा कभी भी हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकता। जिसका दादा फिरोज खान हो उसका पोता कभी भी हिंदुओं का सम्मान नहीं करता। आज तक उसने कभी भी आतंकवाद का धर्म तो बताया नहीं, आज लेकिन हिंदुओं को जो हिंसक बता रहा है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता आप 24 घंटे के अंदर ये सदन में पूरे देश से बहुसंख्यक समाज से वाकई मांगे, नहीं तो आज इन्हीं हिंदुओं के वोट के कारण से आपने 99 सीट जीता है। अब ये हिंदुओं को चिंता कर रहे हैं, सोचिए कि ये आज 99 सीट जीत के हिंदुओं का इतना विरोध कर रहा है। अगर ये व्यक्ति अगर सरकार बना लेता तो हिंदुओं के साथ क्या करता। तो आपकी मानसिकता हम जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन इस देश के हिंदुओं और मतदाताओं को सोचना है। और मैं जल्दी से चल चाहूंगा कि जो माफी मांगे और नहीं माफी मांगते हैं तो हिंदू समाज आपका हमेशा विरोध करता था और करता ही रहेगा आपके इस बयान पे। जय श्री राम। आज राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें कांग्रेस का वर्तमान तुष्टिकरण का चेहरा दिख रहा है। ये पहले भी करते रहे हमेशा, पर आज जो क्या है सदन में जो हिंदुओं के प्रति जो बोला गया उसका घोर विरोध करता है विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से। और मैं ये करता बोलता हूँ कि पूरे सनातनी हिंदू भाइयों को उसका घोर विरोध करना चाहिए। और जो आज की डेट में कांग्रेस में जो हिंदू लोगों के द्वारा जो उस पर सहमति जताई गई है इस अभी चुनाव की स्थिति में, जब हमने देखा कि हिंदू समाज कुछ लोगों ने उनको वोट किया, तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी समझ लो स्थिति, नहीं तो आने वाला स्थिति तुम्हारा बहुत गलत होगा। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो केवल मुस्लिम के लिए ही सोचता और बोलता है ये गलत है। हिंदू देश में हिंदू राष्ट्र में रहता है और हिंदुओं की बात करनी पड़ेगी। अगर उनके द्वारा आज जिस तरह हम हिंदू राष्ट्र की के लिए आगे चले हैं और उसके विरोध में वो व्यक्ति इस टाइप का जवाब दे रहा है तो उसका हम घोर विरोध करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।